वहीं ग्वालियर जिले में पर्याप्त बारिश ना होने के चलते लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में लोगों को पानी ना मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर निगम का पीएचडी विभाग ग्वालियर वासियों को एक दिन छोड़कर पानी प्रदान करा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि ग्वालियर में जितनी पर्याप्त मात्रा में बारिश होनी चाहिए वह नहीं हुई है और जिले भर में जो जलाशय हैं वह भर नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि जिला मुख्यालय में पानी एक दिन छोड़कर देना पड़ रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है, लोगों को भी जरूरत का पानी खर्च करना चाहिए। जिले में कहीं कोई पानी की समस्या है उसे जल सुधार कर लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ग्वालियर में विगत वर्ष में जो हमारी एवरेज रेनफॉल है उससे लगभग 100 mm बारिश कम हुई है और उसी के कारण से हमारे जो जलाशय हैं वो पूर्ण रूप से भर नहीं पाए और इसी के कारण हमारी जो अभी वर्तमान हम स्थिति देखें तो वाटर सप्लाई हम लोग अभी अपने मुख्यालय में एक दिन छोड़ करके कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक गंभीर विषय तो है ही, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी को हम जितना अभी हो सके वाइजली यूज़ करें। इसके बाद हम लोगों का जो प्रयास है मेनली अभी नगर निगम की पूरी टीम का, मॉर्निंग में भी मेरे लगभग प्रतिदिन कॉन्फ्रेंस होती है हर्ष के साथ में, तो ये रहता है कि जो हमें शिकायतें जिस क्षेत्र से मिल रही हैं उसमें हमारी टीम जरूर पहुंचे और ये चेक कर ले कि किस कारण से उन घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अपना सप्लाई का टाइम से प्रेशर का कोई इशू है, पाइपलाइन का कोई फॉल्ट है या अन्यथा कोई बात है, और अगर ऐसे टेल एंड के घर हैं जहाँ पे हमारा पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग टैंकर से या जो मरम्मत कार्य होना है वो एटलीस्ट सेम डे इवनिंग तक उसको एड्रेस कर पाएँ ताकि एक दो दिन में वो व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलने लगे।